नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों। सवाई माधोपुर में फिर बाहर आया आरक्षण का जिन गुर्जर समाज की जुड़ी महापंचायत, बैसला सहित प्रमुख लीडर हुए शरीक। रेलवे जीएम ने यात्री सुविधाओं का लिया जायजा, खामियों को दूर करने की दी हिदायत, अलवर में भी किया निरीक्षण। गो तस्करों और पुलिस में फिर हुआ आमना सामना, पथराव से दो जवान हुए जख्मी, गो वंश कराए मुक्त। और राज्यपाल को स्वाइन फ्लू पर हुआ विवाद, जयपुर में पॉजिटिव और दिल्ली में नेगेटिव हुई रिपोर्ट, कल्याण सिंह को फ्लू की खबर से मची खलबली। गुर्जर आरक्षण का मामला फिर से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा स्थित देव नारायण मंदिर में गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसे निर्णायक महापंचायत का नाम दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से कहा कि गुर्जर समाज को बार बार आंदोलन करने पड़ रहे हैं और पूर्व में भी आरक्षण के लिए 72 लोगों को शहीद होना पड़ा था। उनका कहना था कि भगवान देव नारायण मंदिर में चल रही यह महापंचायत निर्णायक साबित होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि राजस्थान पुलिस की होने जा रही भर्ती से पूर्व गुर्जर समाज कोई ठोस निर्णय ले, जिससे समाज के लोग भी पुलिस भर्ती में आरक्षण का फायदा उठा सके। आज चौथ का बरवाड़ा में महापंचायत संपन्न हुआ। सबसे पहले निर्णय तो ये लिया गया है कि 25 दिन बाद अमरनाथ स्टेशन के पास आंदोलन होगा। उस आंदोलन का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी लीडरशिप बत्तीलाल को दी गई है, सवाई माधोपुर। इसके साथ ही हमारा सरकार से अनुरोध है कि इन 25 दिनों में हमारे 5% का विस्तारण कर दे। प्रदेश में शांति चाहते हैं। किस तरह का आंदोलन करेंगे, किस तरह से होगी महापंचायत करेंगे? शांतिपूर्ण महापंचायत आंदोलन होगा। अच्छा। इसके अलावा महापंचायत में दोनों सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा सरकार में शामिल नेताओं का बहिष्कार करने की बात भी कही गई। इस महापंचायत में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, एडवोकेट शैलेंद्र गुर्जर, भूरा भगत और कैप्टन हरि प्रसाद तंवर आदि शामिल हुए। वहीं 50% आरक्षण में से ही 5% आरक्षण देने पर जोर दिया गया। इस दौरान टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित आसपास के जिलों से गुर्जर प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम टीपी सिंह आज अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर करीब 40 मिनट तक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं सहित यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। रेलवे जीएम के वार्षिक निरीक्षण की वजह से आज कर्मचारी खासे चौकस नजर आए। इस दौरान उन्होंने अलवर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल सुविधाओं, यात्री विश्राम गृह, टिकट विंडो और स्टेशन के बाहरी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। स्थानीय रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए शहर के एक निजी अस्पताल के साथ MOU किया गया, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा जीएम ने AC रूम और ट्रेन इंक्वायरी इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जीएम टीपी सिंह ने बताया कि निरीक्षण में जो खामियां मिली हैं उनको सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अलवर बांदीकुई रेलवे मार्ग के दोहरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही रेलवे ऐप के जरिए यात्रियों को गाड़ियों की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए डाटा ट्रैकर लगाए गए हैं। निरीक्षण के बाद जीएम स्पेशल ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वापसी में उन्होंने राजगढ़ और बांदीकुई के बीच दोहरीकरण सहित रेलवे ट्रैक पर बन रहे पुल और अन्य गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। वहीं रेलवे जीएम के निरीक्षण के दौरान पार्षद नवजोत सिंह भमलोत के नेतृत्व में महिलाओं ने पहुंचकर हंगामा किया और काली मोरी फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग उठाई। इसके बाद पार्षद और प्रतिनिधि मंडल से जीएम ने बातचीत की और जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं अलवर सांसद डॉ. करण सिंह ने भी रेलवे संबंधित समस्याओं को
उनके आगे पहुंचाया। डॉक्टर करण सिंह के प्रतिनिधि मंडल में दीन बंधु और वरुण यादव ने अलवर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सांसद लिखित पत्र उत्तर पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा। इसमें मुख्य तौर पर अलवर मथुरा रेलवे लाइन पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने, अलवर दिल्ली के लिए दोपहर में यात्री गाड़ी चलाए जाने और साथ ही जयपुर खैरथल चलने वाली ट्रेन जो पिछले 2 माह से बंद है उसे पुनः शुरू करने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की बात रखी। अलवर जिले के टपुकड़ा में पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना हो गया। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 1 गौ तस्कर सद्दाम को पकड़ लिया और गौ तस्करों से 15 गौ वंश मुक्त कराए गए। पुलिस के अनुसार कुछ गौ तस्कर अंधेरी का लाभ उठाते हुए भागने में कामयाब रहे जिनकी पुलिस ने पहचान कर ली है। गौ तस्कर गौ वंश को कच्चे रास्ते से गौकशी के लिए हरियाणा लेकर जा रहे थे। मुक्त कराए गए 15 गौ वंशों को खुशखेड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला भेजा गया है। वहीं घायल पुलिस कर्मियों का उपचार किया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि शातिर कच्चे रास्ते से गौ तस्करी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। वहीं पुलिस भी लगातार तस्करों के मनसूबों को नाकाम कर रही है। मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ गौ तस्कर खोरी तक के रास्ते से हरियाणा के गोवंश लेके जा रहे हैं, तो इस पर हमने पुलिस टीम को भेजा। वहाँ पर पुलिस को देख कर गौ तस्करों ने पुलिस पर पथराव चालू कर दिया और खान के जरिए भागने का प्रयास करा। 3-4 गौ तस्कर हल्ले का फायदा उठाकर भाग गए और जबकि 1 गौ तस्कर को पुलिस ने भरसक प्रयास करके उसको पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हल्की चोट आई है जिनका मेडिकल करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले अरसे में कई बार गौ तस्करों का पुलिस से सामना हो चुका है और इस दौरान कभी गौ तस्करों ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो कभी पत्थर बरसाए। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। राजस्थान में राज्यपाल कल्याण सिंह को स्वाइन फ्लू को लेकर विरोधाभासी खबरें सामने आई हैं। जयपुर में डॉक्टर्स ने उन्हें स्वाइन फ्लू बता दिया जबकि दिल्ली के चिकित्सकों ने इससे इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने रविवार को उनकी जांच की थी और स्वाइन फ्लू संबंधी कुछ सैंपल्स भी लिए थे। शाम तक डॉक्टर्स ने उन्हें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव की पुष्टि कर दी। राज्यपाल को रात 11 बजे विशेष विमान से दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। उधर राज्यपाल को स्वाइन फ्लू होने को लेकर उस वक्त गतिरोध पैदा हो गया जब दिल्ली के डॉक्टर्स ने जांच में राज्यपाल को स्वाइन फ्लू नेगेटिव करार दे दिया। राजस्थान और दिल्ली की मेडिकल टीम की अलग अलग रिपोर्ट से असमंजस की स्थिति बन गई। अब राज्यपाल की फिर से जांच कराई जाएगी। बताया जाता है कि राज्यपाल कल्याण सिंह अब स्वस्थ हैं और वे अलीगढ़ में 7 मार्च को अपनी पोती पूर्णिमा सिंह के विवाह में शामिल होंगे। गौरतलब है कि अलवर में ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री कालीचरण सराफ ने विधानसभा में माना था कि गत 3 वर्ष में स्वाइन फ्लू से प्रदेश में 890 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में वर्ष 2015 से अब तक 50,000 से अधिक रोगियों की स्वाइन फ्लू की जांच की गई। इसमें से 11,748 मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया और 890 रोगियों की मौत हो चुकी है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और सूर्यनगर निवासियों ने जलदाय विभाग द्वारा ट्यूबवेल लगाने का विरोध किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जलदाय विभाग द्वारा सूर्यनगर में लगाए जा रहे ट्यूबवेलों को रोकने की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष जमशेद खान ने बताया कि सूर्यनगर क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा गलत तरीके से 14 ट्यूबवेलों को लगाया जा रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। उनका कहना था कि इससे अधिकांश पानी ट्यूबवेलों में चला जाएगा और सिंचाई के लिए पानी का संकट पैदा हो जाएगा, साथ ही कृषि पर आधारित ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं जो सूर्यनगर में और अंबेडकर नगर में तो 32 बोर लग चुके हैं, सूर्यनगर में 14 बोर लगने हैं, 2 बोर लग गए क्योंकि हमारे आसपास के गांव बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये बोरिंग चालू हो गई तो हमारे आसपास के गांव में पानी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। सूर्यनगर, दिवाखरी, अंबेडकर नगर, कैमाला, बेलाका, पाड़का और मतलब ये मान लो करीबन करीब 30 गाँव बर्बाद हो जाएंगे इस विरोध को लेकर, इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं आज कलेक्टर को। 12 जिले के अटरू में फसल बेचकर गांव जा रहे किसान युवक की हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है।
मृतक युवक भोजराज गुर्जर के परिजनों ने बताया कि आनंदपुरा गांव में मुकेश गुर्जर से भोजराज की कहासुनी हो गई थी। इसके चलते कल रात हथियारबंद लोगों ने अटरू मंडी से फसल बेचकर जा रहे भोजराज गुर्जर पर हमला कर दिया। हमले में युवक की गर्दन पर गहरा घाव लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाँच छह दिन पहले कोई आपस में एक मोबाइल कॉल को लेकर के आरोपी की पत्नी से कहा सुनी हुई, उसके बाद इनके शांति थी और कॉन्स्टेबल जाके वहाँ पे बातचीत भी करके आ गया था समझाइश करके। अचानक जो आरोपी पक्ष है उन्होंने ये कहते हो कि जब ये अटरू से वापस जा रहे थे ट्रैक्टर थ्रेसर ले तो हमला किया। आरोपियों में तीन नामजद आरोपियों को राउंड अप कर लिया, एक अन्य को भी राउंड अप किया है, पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम करवा रहे और जो भी अन्य मुलजिम उनके लिए टीम रवाना करके कार्रवाई जारी। पुलिस ने तीन टीमों का गठन कर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ठगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 20,000 रुपए और जेवरात के लालच में 11 जोड़ों ने सामूहिक विवाह योजना के दौरान दोबारा शादी कर डाली। इससे यूपी सरकार को तकरीबन 3,00,000 रुपए का चूना लगा है। जानकारी के मुताबिक कुछ शातिर लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को चूना लगाते हुए सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ग्रेटर नोएडा में 11 जोड़ों ने महज 20,000 रुपए जेवरात और कुछ गिफ्ट के लालच में आकर दोबारा शादी कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि 11 जोड़ों में से 3 के तो बच्चे भी हैं। इनमें से एक शख्स 2 बच्चों का पिता है। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। इस दौरान कुल 66 जोड़ों की शादी करवाई गई। बाद में सामने आया कि इनमें से 11 जोड़ों ने पैसों के लालच में दोबारा शादी की है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, कई विधायक और वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि पिछली सरकार में गरीब बेटियों को शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने योजना में बदलाव किया है। अब सामूहिक विवाह होंगे और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 20,000 रुपए सीधे दिए जाएंगे। इस तरह प्रति जोड़े पर सरकार कुल 35,000 रुपए खर्च कर रही है। इसी कड़ी में यह घोटाला सामने आया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सवाई माधोपुर में फिर बाहर आया आरक्षण का जिन गुर्जर समाज की जुड़ी महापंचायत, बैसला सहित प्रमुख लीडर हुए शरीक। रेलवे जीएम ने यात्री सुविधाओं का लिया जायजा, खामियों को दूर करने की दी हिदायत, अलवर में भी किया निरीक्षण। गो तस्करों और पुलिस में फिर हुआ आमना सामना, पथराव से 2 जवान हुए जख्मी, गो वंश कराए मुक्त। और राज्यपाल को स्वाइन फ्लू पर हुआ विवाद, जयपुर में पॉजिटिव और दिल्ली में नेगेटिव हुई रिपोर्ट, कल्याण सिंह को फ्लू की खबर से मची खलबली। इस बार कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।